मैं सिराज बात कर रही हूँ। आप लोग सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरे से होंगे। आज मैं जो योगा आपसे शेयर कर रही हूँ, योगा जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल ख़त्म होता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हमारा बैलेंस इससे अच्छा होता है। लेकिन आज मैं जो ये योगा शेयर कर रही हूँ वो स्पेशली थायराइड वालों के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि थायराइड वालों पेशेंट की और स्ट्रेस जो लेवल जो है वो आपस में बहुत ही ज़्यादा इनका कनेक्शन होता है। थायराइड वालों को 99% जो है वो स्ट्रेस होता है उनको उनकी लाइफ में। तो आज मैं जो योगा आपसे शेयर कर रही हूँ तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। समझो कि आप रेगुलर करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, और आपका इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा जिसकी वजह से आपका थायराइड में आपको आराम मिलेगा, और काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये आप करें और आप मेडिसिन नहीं खाएं। मेडिसिन आपको खानी है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और डॉक्टर्स कहते हैं कि जो थायराइड वाले जो पेशेंट हैं उनको चाहिए कि रोज़ाना जो है वो ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 4, 5, 6 पॉजेस जो भी हैं वो अगर सब नहीं करते हैं तो 2 पॉज ट्राई करें, 4 करें, 5 करें, 3 करें, एटलीस्ट रोज़ाना करें। तो उससे आप रियली देखेंगे कि आपके थायराइड में जो है वो आपको काफ़ी फर्क महसूस होगा, आपकी आपको ओवरऑल आपकी सेहत पे बहुत असर पड़ेगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? ये जो फिश पॉज है इसको फिश पॉज कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग थायराइड फंक्शन। इससे आपका थायराइड फंक्शन बहुत ही इम्प्रूव करता है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फ्लो बहुत अच्छा होता है, तो इसकी वजह से आपका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपके थायराइड पे इसकी वजह से। अभी जो मैं आप से शेयर कर रही हूँ पॉज, ये लेट के और फिर जैसे आप बिल्कुल दीवार के उस पे लेट जाएंगे, फिर स्लोली स्लोली टांग घुटनों को झुकाएंगे, फिर टांगों को ऊपर करेंगे, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं कि लेग्स अप द वॉल, यानी कि अपनी टांगें जो है वो वॉल की उस पे आपको रखनी है सहारे पे, सही है? और ये इससे आपका पूरी बॉडी का जो ब्लड फ्लो जो है वो आपके उसे थायराइड पे पड़ रहा है, आपकी गर्दन पे पड़ रहा है, बहुत अच्छा जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको थायराइड वालों को चाहिए कि ये अगर और पॉज जिस दिन नहीं करनी है तो जस्ट जो है वो आप जस्ट ये लेट के आप 15 से 20 मिनट आप ऐसा लेट जाएं और ये आप पॉज करें, क्योंकि ये करने से आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, और अब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो वो जो आपका थायराइड का जो फंक्शन है, जो उसमें आपको तकलीफ़ है, तो उसमें आपको ये बहुत ही फ़ायदा देता है, बहुत ही इसमें आराम आता है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी कभी जैसे 15-20 मिनट के लिए अगर आपको करना है तो आप बाकी अगर पॉजेस नहीं करते हो तो आप ये करते हो तो उस टाइम पे आप क्या करें, अपनी गर्दन के नीचे कोई भी सर के नीचे नहीं, गर्दन के नीचे कोई कपड़ा या कोई टॉवल देखो ये रख के और अपनी आँखों पे कुछ कपड़ा रख ले, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपका स्ट्रेस लेवल में भी आपको बहुत ही आपको फ़ायदेमंद है, ठीक है? और ये जो पॉज है इसको कैट काउ पॉज बोलते हैं। ये बहुत बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बैक के पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए, उसके इसके साथ साथ ये थायराइड के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसमें आप अपनी चिन जितना नीचे कर सकते हो अपनी चिन को उतना नीचे करो, और फिर गर्दन को जितना ऊपर कर सकते हो उतना ऊपर करो, ताकि आपका अगेन ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा और जिससे आपको थायराइड पे ये बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना? ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। ये जो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ
पॉज जो भी 5-6, तो ये सब के सब आपके थायराइड के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। जैसे इसमें आप आंखें बंद करके और सुकून से हाथ दोनों अपने घुटनों पे रखेंगे और सुकून से बैठ जाएंगे और फिर सांस लेते जाएंगे, और भले लंबे सांस नहीं लें, रेगुलर सांस लें कोई बात नहीं, और साथ साथ में अपनी गर्दन पीछे रखेंगे जितनी देर रख सकते हो, फिर आगे लेके आए, फिर जितनी देर रख सकते हो फिर आगे लेके आए, हाथों को पीछे करके और गर्दन को पीछे करेंगे, मुंह को खोलेंगे, खोल बंद, मुंह को खोल बंद, ऐसा बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके इसके लिए, थायराइड के लिए। जितना आप पीछे गर्दन कर सकते हो उतना करना, ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ हो ज्यादा। ठीक है ना, तो ये आप जरूर, ये जरूर कीजिएगा एक्सरसाइज। आप देखेंगे 2-3 वीक्स में, 1 महीने में आपको रियली फील होगा, आपको आप अच्छा फील करोगे, आपको स्ट्रेस फ्री फील करोगे, आपको यहाँ पर क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, इसकी वजह से आपको जो है वो बहुत ही इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप इस टाइप की स्पेशली जो वीडियो है वो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर किया करें, ताकि सब इसके जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकें, सबको पता चले कि जो है वो थायरॉयड में, क्योंकि काफ़ी लोगों को है थायरॉयड दुनिया में। कितने मैं पढ़ रही थी, सर्च कर रही थी, तो पता चला कि कितने मिलियंस लोगों को है। कुछ साल पहले जो है वो उतने लोगों को थायराइड नहीं था, लेकिन क्योंकि ये हवा पानी और लोग अपने खाने पीने का ख्याल नहीं करते, फूड का ख्याल नहीं करते, डाइट का ख्याल नहीं करते, एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते, तो उसकी वजह से लोगों में जो है वो थायराइड को जो है वो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, और फिर स्ट्रेस की वजह से। तो आजकल कितने स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों मुल्कों में थायराइड के पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, समझे ना। तो उनको आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना।